marah marah marah. Wih, mesti dia sih. Woi. Iya. Itu nizi aja. Yap. Hah? Yap. Alright, दोस्तों, so we reached our destination at 2:54. हम लोग अभी-अभी यहाँ पे पहुँचे हैं. That is Mawryngkhang Rocky. तो हम लोगों ने आते-आते decide किया कि हम यहाँ पे आएंगे और ये जो place है, थोड़ा सा trekking करना पड़ेगा हम लोगों को through a bamboo bridge. तो scene आपको देखने को मिलेगा. तो अभी हम लोग जो है trekking करेंगे. तो देखते रहो, बने रहो, and I'll keep you posted. सीन ऐसा है कि हम लोग जो है ट्रैकिंग शुरू किया है हम लोगों ने इट्स बीन 15 मिनट्स और रूट जो है बहुत ही ज़्यादा गंदा है और यहाँ पे कंडीशन जो है रूट का बहुत ख़राब है और बारिश देवता जो है तो हमारे ऊपर थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको आशीर्वाद बरसा रहे हैं तो मुझे अभी जो कैमरा है वो अंदर डालना है बाकी का जो भी शॉर्ट्स आपको मिलेगा वो सब सिनेमेटिक में देख लो और एक्शन कैम के थ्रू मिलेगा तो भाई साहब अभी अंदर So this is why we have came over here. This is not the like final location. Abhi aur bhi chalna hai. But trailer dekh lo bhai sahab aap. Baki ka movie jo hai. Wo hum dikhayenge aapko dheere dheere chalte chalte. यहाँ का जो अभी सीन है कुछ ऐसा है बारिश थोड़ा सा कम हो गया है बट यहाँ पे जो है लाइक एवरीडे बारिश होता है बट स्टिल कंडीशन बहुत ही सही है बैम्बोस का और जो लोकल विलेजर्स हैं मतलब बहुत सही से मेंटेन कर रहे हो तो हाँ लाइक थम्स अप और भैया अगर आपको वही घिसे पिटे पुराने जो प्लेसेस है वो सब देखने होंगे तो आप किसी और के ब्लॉग से वो देख लो बट कुछ नया अगर देखना होगा तो परिंदा है ना यहाँ पे आपको दिखाएगा ज़रूर दिखाएगा और आओ
कभी अगर एडवेंचर जो है रियल एडवेंचर अगर है वो एक्सपीरियंस करना होगा आपको तो यू आर मोस्ट वेलकम, यहाँ पे आओ। जो एग्जैक्ट लोकेशन है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप आ सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, बट टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा लेके आना क्योंकि ट्रैकिंग करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, आपको चढ़ना भी पड़ेगा, आपको उतरना भी पड़ेगा, तो ये दो चीज़ जो है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेके आना। दत्ता भाई, भाई साहब कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया, रियली ब्यूटीफुल। आप व्यू देखो एक बार, दिखाओ, मतलब झाटू टेक इन और देख रहे हैं ये व्यू, और ये टोटली अनएक्सप्लोर्ड है, शायद हमारा फर्स्ट टाइम है, या फर्स्ट टाइम है राइट, हमारा फर्स्ट टाइम है, और इट्स फकिंग ग्रेट, मतलब बहुत सरील है, बहुत ब्यूटीफुल है। सो या तो आप मेरे व्यूअर्स को बोलोगे कि आने के लिए यहाँ पे? तो मैं रिकमेंड करूँगा, हम लोग रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ आओ, ये बहुत मज़ा लो बस, इतना ही, बहुत मज़ा लो है, बहुत ज़्यादा थ्रिल है, यहाँ आओ एक बार देखो। बट हाँ, अच्छे जूते पहन के आना ताकि ग्रिप मिले, ग्रिप हम लोगों को पता नहीं था इतना थ्रिल होने वाला है, वरना हम लोग अच्छा जूता पहनते वो देख सकते हैं, हमारे ग्रुप का लास्ट वो अभी तक आ ही रहा है, वो अभी तक स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं, जो भी है एक बी सेफ, लेकिन बहुत थ्रिलिंग है यार, आप इट्स इट टेक टाइम टू टेक इन, मतलब बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। प्रबल अभी कितना घंटा बाकी है? और थोड़ा सा टाइम बाकी है, अभी भी ऑलमोस्ट वन मोर आर, दो घंटे हो चुके हैं। तो इधर आप देख सकते हो सबका कंडीशन, हालत जो है हाल तक खस्ता हो चुका है, बड़ी नाजुक हालत। और हमारा जो नील भाई है वो तो totally, मतलब वो गाइड के साथ कुछ उसने फिक्स करके रखा है, वो पहले पहले चल रहे हैं और हम इधर जो है धीरे धीरे चल रहे हैं। चलो ठीक है, आप व्यू का मजा लो, हम करते ट्रैक। और थोड़ा सा पहुंचना बाकी है, लेट मी शो यू कि हमें जाना कहां तक है और कहां पे हम हैं फिलहाल। अभी हमें जाना है वो वाले पहाड़ तक और थोड़ा ट्रैक करके, वो जा रहा है नील भाई अलोंग विद द गाइड, दिस इज प्रबाल और ये है व्यू। ओ भाई रास्ता कोई है? सीरियसली जाओ। राम राम इधर नीचे जाए। हाँ आराम से। ये दिस इज रियल एडवेंचर एक्चुअली, साउंड नहीं आ सकता वो अलग बात है, डब कर दे। चलो तुम आप चलो भाई। Oh,
फाइनली हियर आई एम एट द टॉप. ऐसा अलग सा मतलब लेवल का जो है एक्साइटमेंट है, अलग सा जो है लेवल का डर है, क्योंकि हम इतने ऊपर है और तीन चार जो है माउंटेन क्रॉस करके. तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखाने लायक है नहीं, जो भी है मैं दिखा रहा हूँ आपको और उसके बाद हम लोग चलेंगे बैक टू आवर होम. तो मैं बाकी अभी जो है कार में या फिर ऐसा जो प्लेस होगा वहाँ पे जाके ये ब्लॉग ख़त्म करता हूँ. टिल देन आप लोग यहाँ का जो व्यू है वो एंजॉय करो.